नमस्कार, मैं अखिलेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज़। तो आइए नज़र डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नागपुर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बॉडी कैमरे खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद आज प्रथम चरण में 200 कैमरे मंजूर हुए। रविवार को राज्य के गृह मंत्री ने पहले 10 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को बॉडी कैमरे प्रदान किए। इस अवसर पर शहर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के साथ ही शहर के सारे DCP उपस्थित थे। ट्रैफिक पुलिस लगातार हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम की राह पर है। ट्रैफिक पुलिस अब बटन कैमरा छोड़ बॉडी वॉर्न कैमरा लगाने की कमर कस ली है। उल्लेखनीय है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान अक्सर पुलिस कर्मी से लोग उलझ जाते हैं। उलझने के दौरान उनकी सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। इससे केवल उलझाने वाले ही नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भूमिका भी कैमरे में कैद होगी। इससे वरीय अधिकारियों को भी जाँच में सहूलियत होगी। बॉडी वॉर्न कैमरे का बहुत लाभ है। सामने वाला क्या बात कर रहा है कैमरे में कैद होता रहता है। उल्लेखनीय है कि अपने प्रस्ताव में पुलिस आयुक्त ने नागपुर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए 1000 बॉडी कैमरे खरीदने की सिफारिश की थी, किंतु 200 बॉडी कैमरे की अनुमति दी गई, जहां ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के कामकाज पर नजर रखने और उन पर होने वाले हमलों को रोकने में मदद मिलेगी। ये कैमरा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कॉलर या उनके सामने लगा होगा, जो न केवल ट्रैफिक सिस्टम पर नजर रखेगा बल्कि अपराधियों को पकड़ेगा और चोरी की या सिग्नल तोड़ने वाले वाहनों को भी कैद करेगा। ये कैमरा ट्रैफिक सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन और ANPR सिस्टम से लैस होगा। ये कैमरा ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी के दौरान उनकी कर्तव्य और उनसे उलझने वालों पर भी नजर रखेगा। ये पूरे 12 घंटे तक 128 GB की रिकॉर्डिंग कर सकता है। इस कैमरा का बैटरी बैकअप 2 दिनों का है। ऐसा है कि आज नागपुर शहरा मध्ये 200 बॉडी ऑन कैमेराज हे राज्य शासनातर्फे आम्ही पोलिसांना दिलेले आहे आणि या बॉडी ऑन कॅमेराच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीने नागपूर शहरामध्ये पोलिसिंगसाठी त्याचा फायदा होणार आहे। अनेक ठिकाणी आपण पाहतो सिग्नलला त्यांनी सिग्नल तोडल्यानंतर जेव्हा पोलीस हवालदार तिथे जातून त्यांना सांगतो की तुम्ही सिग्नल तोडला पैसे भरा, तेव्हा पुष्कळदा वाद होतात, हुद्दत होते, याचं सर्व रेकॉर्डिंग त्या ठिकाणी होणार आहे। किंवा अनेकदा पोलिसांवर सुद्धा त्यांना हात उचलण्याचं काम त्यांना काही ठिकाणी होतं, त्यांच्यावर सुद्धा याचा चांगल्या पद्धतीने फायदा होईल आणि रेकॉर्डेड होईल आणि त्यांच्यावर जो कोणी अशी कारवाई करेल काम करेल त्याच्यावर कडक कारवाई करण्याचं सुद्धा काम त्या विचार होईल। ओव्हरऑल चांगल्या पोलिसिंगसाठी याचा फायदा नागपूर शहरामध्ये होणार आहे। याच पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या बाकी शहरामध्ये सुद्धा आम्ही याच पद्धतीनं बॉडी ऑन कॅमेरा देऊन चांगलं पोलिसिंग प्रत्येक शहरामध्ये महाराष्ट्रामध्ये झालं पाहिजे, त्या दृष्टीनं याची सुरुवात आम्ही केलेली आहे।